ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। और अभी आपको बताएं, पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद कर दिए गए हैं, जबकि रास्ते धुंधलाने से हादसात में भी इजाफा हुआ है। आपको बताएं, ऐसा ही दिलखराज हादसा ठोकर और बाबू साबू इंटरचेंज पर पेश आया, जहाँ धुंध के बाइस छः गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। वाके में दो खवातीन समेत तीन अफराद मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 10 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ज़ख्मियों में 6 अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि 4 अफराद को मौके पर ही तिब्बी इमदाद देकर घरों को रवाना किया। दूसरी जानब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब ने बाबू साबू इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है और हादसे में ज़ख्मी अफराद को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हदायत की है। उस्मान बुज़दार ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए हादसे के बारे में मुफस्सल रिपोर्ट तलब कर ली है।